दोस्तों ये आदमी गलती से एक दलदल में गिर जाता है। ये इस दलदल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये इससे बाहर निकलने के बजाय इसमें और गहरा धंसता जा रहा है। वही उस दलदल के पास ही के पेड़ पर दो मिंक नाम के छोटे जानवर मस्ती कर रहे होते हैं। ये आदमी अब जल्द ही मरने वाला है कि तभी वो उन पेड़ पर बैठे मिंक्स की तरफ स्नेह पूर्वक देखकर मदद मांगता है। दोस्तों इस आदमी का नाम डर है और डर के अंदर उसके जन्म से ही जानवरों से बातें करने की क्षमता है, जिस कारण ये मिंक्स इस आदमी की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। एक छोटा मिंक धीरे धीरे पेड़ की शाखा पर आगे बढ़ता है और थोड़ा आगे जाकर उस पेड़ की शाखा को चबाता है, जिससे वो शाखा दलदल के काफी करीब चली जाती है। ये आदमी बिना समय गवाए उस पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार ये आदमी किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन ये आदमी ये ध्यान नहीं देता कि जिस मिंक ने उसकी जान बचाई थी अब वो उस दलदल में धंस रहा है, और देखते ही देखते वो मिंक पूरा उस दलदल में समा जाता है। पेड़ पर बैठा उसका साथी मिंक जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। अब उस आदमी को जैसे ही होश आता है तो उसे उस दलदल के अंदर किसी तरह की हलचल महसूस होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी जान बचाने वाला मिंक उस दलदल में गिर गया है। तो वो आदमी जल्दी से अपना हाथ उस दलदल में डालकर उस छोटे मिंक को बचा लेता है। ये उस छोटे मिंक को बचाकर बहुत खुश होता है और आखिरी में इन दोनों मिंक्स और उस आदमी के बीच में एक गहरी दोस्ती हो जाती है।